कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ लोहे बाजार की जानकारी के साथ। लोहे बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट के भाव, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी। एशिया की लार्जेस्ट मंडी है मंडी गोविंदगढ़, कास्ट आयरन की स्थिति, एचआरसी सीआरसी क्वाइल, साथ ही साथ आपको बाजारों में किस तरीके से कामकाज रायपुर एचबी वायर में, जीआई वायर में किस तरीके से हो रहा है, एमएस पाइप में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से स्टेप बाय स्टेप यहां पर देने की कोशिश करेंगे। और आपको साथ ही साथ मेटल बाजार सोने चांदी में क्या रंगत है वो भी आपको यहां पर बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पर सबसे पहले घरेलू बाजारों की बात करेंगे, फिर विदेशी बाजारों की बात करेंगे, विदेशी बाजारों से क्या संकेत है। जैसे कि आपको बता देते हैं, चाइना का बाजार, दो दिन का हॉलीडे है वहां पर, चाइना का बाजार बंद है, तो वहां से कोई खास संकेत आते हुए नहीं मिल रहे हैं। फिर भी जो विदेशी बाजारों में, जो आपको मालूम है जो चाइना में जो डिमांड निकलती हुई दिखाई दी, तो उसका ग्लोबली असर पड़ता हुआ दिखाई दिया। और सारा मेटल बाजार हो, चाहे आपका लोहा इंडस्ट्री हो, सभी बाजारों में आपने निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए आपको बाजारों में दिखाई दी। यहां पर लोकसभा चुनाव था और उसके बावजूद लोकसभा चुनाव में मार्केट का सेंटीमेंट लोगों को जो दिखाई दे रहा था, पाइपलाइन खाली होने की वजह से बाजारों में यहां से एक स्थिति, बाजारों में एक शॉर्ट कवरिंग भी बनी और जबरदस्त बाजारों में एक तेजी दिखाई देती हुई आपने देखा। सरिया के बाजारों में भी निचले स्तर से अगर देखा जाए तो 3,500 रुपए पर टन की बाजारों में तेजी आई। अगर आप इंगट और स्क्रैप की बात कर लेंगे तो इंगट स्क्रैप का बाजार भी निचले स्तर से लगभग 42,000 से 45,500, 3,500 रुपए की तेजी, जबकि स्क्रैप के बाजारों में भी आप देखेंगे 3,500 रुपए पर टन की तेजी बीते 10 दिनों के अंदर आपको होली के बाद से बाजारों में देखने के लिए मिल रही है। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति कल के बाजारों में रही। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप डिटेल लीजिए। और हमारे साथ लोहे बाजारों में किस तरीके से आप आगे आने वाले समय में कामकाज करेंगे, रोजाना का व्यू आपको वहां पर सोमवार से शुक्रवार बाजार का व्यू मिलता है, मार्केट में आप किस तरीके से कामकाज करके चल सकते हैं, साथ ही आप लोगों को एक्सक्लूसिव वीडियो उस पर मिलता है, मंथली बाजारों में क्या रेंज रहेगी, क्या नीचे बाजार रहेगा, क्या ऊपर में, सारा वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। तो आपको भी अगर एक्सक्लूसिव वीडियो देखना है, क्योंकि अप्रैल के अभी 25 दिन बाकी हैं, किस तरीके से आप कामकाज करेंगे, तो जल्दी से जाइए, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, तुरंत अभी फोन करिए उस नंबर पे या व्हाट्सएप करिए, तो आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से आप लोहे जरिए में कामकाज करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं मंडी गोविंदगढ़ में किस तरीके से कामकाज करेंगे। तो मंडी गोविंदगढ़ में कल के बाजारों में देखा गया तो बीते कई दिनों बाद आपने देखा 1,000 रुपए पर टन की तेजी लोहे बाजारों में देखने के लिए मिली। लगातार बाजारों में तेजी का मुख्य कारण वही जो हमने आपको बताया, जो चाइना में जो डिमांड निकलती हुई नजर आई, वहां पर आर्थिक आंकड़े सुदृढ़ होते हुए नजर आए, उसका सीधा असर आपको बाजारों में देखने के लिए मिला। एमएस स्क्रैप का बाजार भी 34,500 रुपए हो गया, इसमें भी 1,000 रुपए पर टन की बाजारों में तेजी देखी गई। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट की बात करी जाए तो 11,000 रुपए पर टन हो गया। कास्ट आयरन की अगर बात करी जाए तो कास्ट आयरन का बाजार मंडी गोविंदगढ़ टोका का 36,500 रुपए, इंपोर्टेड का बाजार 37,500 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। यह सारे जो भाव हमने आपको बताए हैं बेसिक रेट हैं, 1,000 केजी के रेट हैं, इस पर 18% जीएसटी लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। अब बात करेंगे एचआरसी सीआरसी क्वाइल की क्या स्थिति है। तो एचआरसी सीआरसी क्वाइल में लुधियाना एचआरसी क्वाइल का बाजार फ्लैट बना हुआ है। एचआरसी क्वाइल का बाजार 52,300 रुपए, सीआरसी क्वाइल का बाजार 59,600 रुपए, जबकि गाजियाबाद एचआरसी क्वाइल का बाजार 53,000 रुपए, सीआरसी क्वाइल का बाजार 57,000 रुपए, कोलकाता एचआरसी सीट का बाजार 50,500 रुपए, सीआरसी सीट का बाजार 58,000 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल आउटलुक में देखेंगे इंगट पे तो बढ़त आ गई है, लेकिन अभी जो बड़ी कंपनियां हैं सेल, टाटा, इन लोगों ने अपने रेट नहीं रिवाइज करे हैं, ये भी जल्दी आपको रेट रिवाइज करते हुए दिखाई देंगे। और इस पे आप आने वाले समय में आपको एक मूवमेंट, आपको पॉजिटिविटी के तरीके से आपको मूवमेंट बाजारों में दिखाई देता हुआ आपको दिखाई देगा। अब बात करेंगे रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। तो रायपुर एचबी वायर की अगर हम बात करेंगे, रायपुर एचबी वायर अगर आप देखेंगे तो निचले स्तर से 45,000 रुपए वाला भाव 48,000 रुपए हो गया। जीआई वायर का बाजार भी 50,000 रुपए से 52,900 रुपए हो गया। एमएस पाइप की अगर बात करेंगे तो 45,000 रुपए वाला बाजार 48,000 रुपए, रायपुर पाइप का बाजार 42,500 से 45,500 रुपए, लगभग सभी बाजारों में 3,000 रुपए पर टन की बाजारों में तेजी देखी जा रही है। टीएमटी की अब बात कर लेते हैं तो टीएमटी मंडी गोविंदगढ़ जो 47,000 नीचे में छू गया था बाजार, वहां से 49,500 रुपए हो गया। दुर्गापुर का बाजार 43,000 से 46,000 रुपए पर टन होता हुआ नजर आया।
इंदौर का बाजार 50,000 रुपए, रायपुर का बाजार भी 42,500 से 45,300 रुपए भरपूर तेजी देखी जा रही है। जयपुर का बाजार 48,000 रुपए, मुजफ्फरनगर का बाजार 47,500 रुपए, भावनगर का बाजार 48,700 रुपए, गाजियाबाद का बाजार 49,000 रुपए। जलना का अगर हम बात करेंगे तो जलना TMT का बाजार 49,500 रुपए, पटना TMT 46,600 रुपए। तो सभी बाजारों में एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज हो रहा है। अब बाजारों में अभी आपको बताएंगे स्पॉन्ज आयरन की क्या स्थिति है, स्पॉन्ज आयरन की में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। तो स्पॉन्ज आयरन में अगर आप रॉ मटेरियल को अगर ट्रैक करते हैं तो रॉ मटेरियल में स्पॉन्ज आयरन में जो निचले स्तर से जब बढ़त आई है तो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनता है, लोहा बनता है, उस पर इम्पैक्ट बाजारों में आएगा। तो यहाँ पर बाजारों में साफ साफ आपको इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। मंडी गोविंदगढ़ में अगर बात करेंगे 30,400 रुपये वाला बाजार 32,800 स्पॉन्ज आयरन का हो गया। दुर्गापुर का बाजार इसी तरीके 29,800 रुपये पर कामकाज रहा। रायगढ़ का बाजार 29,400 रुपये, रायपुर का बाजार 32,100 रुपये, राउरकेला का बाजार 28,600 रुपये पर कामकाज होता हुआ नजर आया। अभी आपको मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी बताएंगे, इससे पहले आपको बता देते हैं मेटल बाजारों में क्या स्थिति है। मेटल बाजारों में जैसे कि आप देख रहे हैं एक तरफा तेजी देखी जा रही है कि जिंक का बाजार 232 रुपये हो गया, लेड का बाजार भी 185 रुपए के आसपास कामकाज होता हुआ नजर आया, कापर का बाजार 795 रुपए, 800 रुपए का हाई भी बाजारों में लगा, एल्युमिनियम का बाजार 221 रुपए 60 पैसे पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो बाजारों में एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज हो रहा है, लेकिन ऊपरी स्तर पे अपना मुनाफा बुक करिए और सही और सटीक लेवल की आपको जानकारी जाननी है तो इसके लिए आप मॉर्निंग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा। अब बात करेंगे सोने चांदी में, सोने चांदी में भी डॉलर में लगातार कमजोरी की वजह से सोने चांदी में एक तरफा तेजी देखी गई। कल आपने देखा चांदी ने 80,000 का एक महत्वपूर्ण स्तर टच करता हुआ दिखाई दिया, सोने में भी 70,000 रुपए का लेवल टच हुआ, लेकिन अब सोने में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली फिलहाल देखी जा रही है। सिल्वर में भी 80,000 के बाद आज 1,075 रुपए सिल्वर गिर के बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो बाजारों में फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच करिए, बाजारों में खरीदारी करने के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, बाकी एग्जैक्ट लेवल आपको जानने हैं तो आप हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में आप हमारे साथ जुड़िए, वहां पर आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। अब आपके आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता देते हैं। तो आज के अगर सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल अगर देखेंगे तो नीचे में मंडी गोविंदगढ़ का 45,000 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 46,000 रुपए का। पुराने लोहे का सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 34,000 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 35,000 रुपए का, इस तरीके से देखा जा रहा है। तो आप बात कर लेते हैं सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट के आसपास खरीदारी करिए, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस के आसपास आप मुनाफा बुक करके चल सकते हैं। आप चाहे आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन का बटन दबाइए। ज्वाइन का बटन, जो लोग ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो उनको एक्सक्लूसिव जो मॉर्निंग का सेशन है, एक्सक्लूसिव जो ज्वाइन का, जो लोग भी बटन दबाएंगे ज्वाइन होंगे, जो एक्सक्लूसिव मॉर्निंग का सेशन है उनको सबसे पहले सुबह का मॉर्निंग सेशन उनको सबसे पहले मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आप मॉर्निंग सेशन में आप जुड़ने के लिए आप हमारे साथ वहां पर आप ज्वाइन ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिए ताकि आपको एक्सक्लूसिव वीडियो, जैसे कि अभी मंथली एक्सक्लूसिव वीडियो आया हुआ है वो भी आपको अगर चाहिए तो ऑलरेडी आप अगर ज्वाइन होंगे तो आपको एक्सक्लूसिव वीडियो भी पहले से पहले वहां पर आपको मिल जाएगा और सबसे पहले आपको वहां पर मिलेगा। और इसी तरीके आप अगर किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी जानना चाहते हैं तो AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है, अथेंटिकेट ऐप है। अगर हम आपको सलाह दे रहे हैं तो अथेंटिकेट ऐप होगा, तो अथेंटिकेट ऐप है, लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है। उसको भी अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर नीचे आपको देखेंगे कि आप नीचे आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा AB लाइव करके, उसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ मेटल बाजार की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। मेटल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है जिसके अंतर्गत कापर, एल्युमिनियम, लेड, जिंक के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ दिल्ली मेटल बाजार, मुंबई मेटल बाजार में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉपर के बाजारों में, तो LME में बाजारों में जोरदार तेजी के साथ 9,281 रुपए, $81 कापर में कामकाज होता हुआ देखा गया, जबकि MCX का भाव 798 रुपए 45 पैसे रहा। एल्युमिनियम का बाजार $2,437 222 रुपए 50 पैसे MCX में भाव रहा। लेड का बाजार 2,142 186 रुपए 15 पैसे के हिसाब से MCX में भाव देखा गया। जिंक का बाजार 2,630 रुपए 233 रुपए 65 पैसे के पास भाव कामकाज होता हुआ नजर आया।
अगर गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड 2298 लगभग $2300 के करीब 69485 पे कामकाज होता हुआ नजर आया। सिल्वर की अगर बात करेंगे $26.81 79312 पे कामकाज हुआ, जबकि क्रूड ऑयल में एक तरफा तेजी जारी है 76.8 72.45 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली मेटल बाजार की क्या स्थिति है। दिल्ली मेटल बाजारों में भी जोरदार तेजी देखी जा रही है। कापर का बाजार सुपर एचडी का ₹823, कापर केबल स्क्रैप का बाजार ₹800 बोला गया। कापर आर्मेचर की अगर बात करेंगे तो ₹788, एल्युमिनियम पुर्जा का बाजार ₹184 देखा जा रहा है। एल्युमिनियम बर्तन का बाजार ₹180 हो गया, जिंक हिंदुस्तान का बाजार ₹238। लेट के बाजारों में बीते दो दिन में ₹2 की तेजी देखी गई। LIBT का बाजार भी ₹2 तेज हो गए, ₹200 पे कामकाज होता हुआ नजर आया। बैटरी स्क्रैप का बाजार 98 से 118 रुपये काली सफेद का भाव रहा, जबकि निकल की अगर बात करेंगे तो निकल का भाव ₹1540 हो गया। टिन रागा की अगर बात करेंगे तो ₹2660, पीतल भी ₹500 से ₹512 तक बाजारों में कामकाज हुआ। SS बर्तन स्क्रैप का बाजार ₹64 बोला गया। अब बात कर लेते हैं मुंबई मेटल का क्या रेट रहा। तो मुंबई मेटल में कॉपर केबल स्क्रैप का बाजार ₹780 बड़ी तेजी के साथ कामकाज। कॉपर आर्मेचर का बाजार ₹757, ब्रास स्क्रैप का बाजार ₹508, एल्यूमिनियम स्टेंसिल स्क्रैप का बाजार ₹175, जिंक इंगट का बाजार ₹230 रहा, लेड इंगट का बाजार ₹190, टिन इंगट का बाजार ₹2615, निकल का थोक का बाजार ₹1478 पे कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कॉपर की अगर हम सपोर्ट की अगर बात कर लेते हैं तो कॉपर का सपोर्ट का लेवल ₹785, रेजिस्टेंस का लेवल ₹795 बोला गया, लेट का सपोर्ट का लेवल ₹179, रेजिस्टेंस का लेवल ₹181। जिंक की अगर सपोर्ट की बात करें ₹234, रेजिस्टेंस का लेवल ₹242। निकल का सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो निकल का सपोर्ट ₹1540, रेजिस्टेंस का लेवल ₹1580। ओवरऑल आउटलुक मेटल बाजारों में तेजी जारी रहेगी। आगे आने वाले समय में मेटल बाजारों में आपको और भी तेजी देखने की मिलेगी, लेकिन ऊपरी स्तर पर बाजार इतना बढ़ा हुआ है, मुनाफा बुक जरूर एक बार करिएगा। दो दिन से चाइना का बाजार बंद है, चाइना का बाजार जब खुलेगा तो बाजारों में एक अलग स्थिति बाजारों में दिखाई देती हुई आपको दिखाई देगी। अगर खबर में दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ मार्केट 24 में। आज हम आपको लोहे से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे, लोहा बिलेट के भाव के बारे में बताएंगे, बाजार में क्या रेट देखा गया, मार्केट का ट्रेंड क्या रहा, आपको इस विषय में पूरी खबर आपको बताएंगे। आप हमारे साथ खबर में लास्ट तक बने रहें। खबर में आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल न्यूज़ मार्केट 24 को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। लोहा बिलेट के बाजार में हल्की बढ़त देखी गई है, मार्केट का भी ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। लोहा बिलेट में कुछ मंडियों के, मेजर मंडियों के आपके रेट बता देते हैं क्या रहे। मंडी गोविंदगढ़ का रेट ₹46,700 रहा। बिलेट में दुर्गापुर का रेट ₹43,100 रहा। रायगढ़ का रेट ₹42,400, रायपुर में ₹43,100 में कामकाज देखा गया। जयपुर का रेट ₹45,300 रहा। कोलकाता का रेट ₹43,800, मुजफ्फरनगर का रेट ₹45,400, मुंबई का रेट ₹44,500 पे कामकाज देखा गया। गाजियाबाद में ₹45,600 पे कामकाज रहा। लुधियाना का रेट ₹46,000 देखा गया। बिलेट में सारे रेटों में हल्की बढ़त देखी गई, और आपको मंडी गोविंदगढ़ के रेट बता देते हैं। MS इंगट और MS स्क्रैप के क्या रेट रहे। इंगट में ₹46,700 देखा गया, जिसमें ₹1200 की बढ़त देखी गई। MS स्क्रैप का भाव ₹35,700 रहा। खबर में आगे बढ़ते हैं, नया पुराने लोहे के बारे में भी बता देते हैं। नया लोहे का रेट ₹53 पर केजी के हिसाब से रहा, पुराने लोहे का भाव ₹34 पर केजी के हिसाब से रहा। मार्केट का ट्रेंड जैसा कि आपको बताया पॉजिटिव है, मार्केट में हल्की बढ़त देखी जा रही है। आप लोग ज़रूरत के हिसाब से गिरावट पर खरीदारी करके कामकाज कर सकते हैं। इसी तरीके की खबर के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।